सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आपको ड्रीम इलेवन आईपीएल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप ड्रीम इलेवन आईपीएल से करोड़ों पैसे कमा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको प्राइजेस जो है वो लाखों में देखने को मिल जाएंगे। सो आप हर एक मैच में पार्टिसिपेट कर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। सो मैं आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप ड्रीम इलेवन आईपीएल को प्ले कर सकते हो, कैसे आप अपने टीम को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप एक कंफ्यूजन में होंगे कि क्या हम टीम को क्रिएट करेंगे। मीन्स अगर से आप एक मैच में पार्टिसिपेट करते हो तो वो मैच में ऑलरेडी दो टीम्स बने ही रहेंगे। सो आप क्या उसमें टीम को क्रिएट करोगे? सो ये बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में फिर रहे होंगे। सो मैं आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूँ एंड मैं पूरे के पूरे डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैश को ऐड कर सकते हैं, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे पॉइंट्स को कमा सकते हैं, क्या पॉइंट्स मींस पॉइंट्स की कैसी स्कोरिंग होने जा रही है, मींस उसके डिफरेंशिएशंस कैसे है कि कैसे पॉइंट्स आएंगे। सो पूरी के पूरे डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो विदाउट स्किपिंग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, एंड ये वीडियो बड़ा भी हो सकता है पर फिर भी पूरा देखिए ताकि आपको पूरे के पूरे डिटेल्स पता चले। सो गाइज, अगर से आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रहे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा एंड बाजू में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल। सो गाइज, जैसा कि हम देख पा रहे हो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ एंड मैंने यहाँ पर से एक मीन्स ड्रीम इलेवन आईपीएल के पेज को ओपन कर लिया है एंड यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो डाउनलोड दी ऑफिशियल ऐप एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर, ऊपर आप दोनों भी देख पा रहे हो। सो आप नीचे डाउनलोड दी ऐप मीन्स पहले तो ऐप स्टोर राइट साइड पर है एप्पल का मीन्स iOS एंड लेफ्ट साइड पर एंड्रॉयड का है। सो आप इस पर क्लिक कर आप एंड्रॉयड के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ से होने के बाद आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद डिटेल्स पर जाइए एंड उसके बाद देखिए कि आपका डाउनलोड हो रहा है या फिर नहीं। सो मेरा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो वेट करते इसके मीन्स डाउनलोड होने का एंड उसके बाद इंस्टॉल कर देते। सो ये डाउनलोड हो चुका है क्योंकि मैंने वीडियो को स्किप किया है। सो यहाँ से मैं इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ, तो चलिए अब इस पर ओपन कर देते हैं। सो यहाँ से मैं ड्रीम इलेवन को इंस्टॉल कर देता हूँ। सो इंस्टॉलिंग का वेट करते हैं। सो ये इंस्टॉलिंग का जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम लगेगा, सो वेट करते हैं। सो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, सो इसे मैं स्किप कर देता हूँ। सो गाइज, हमारी जो इंस्टॉलिंग वो हो चुकी है, यहाँ पर से डन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से बैक कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं अपने ड्रीम इलेवन को ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। सो यहाँ से ओपन करने के बाद आपको तीनों प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, चेन्नई सुपर किंग्स एंड दोनों मुंबई इंडियंस के। सो यहाँ से ये ओपन हो रहा है। सो रजिस्टर मांग रहा है। सो मीन्स आप क्या करिए गाइज, मीन्स आपको लेफ्ट साइड पर आपको रेफरल कोड देखने को मिल जा रहा है ऑलरेडी यूज़र रजिस्टर। सो गाइज, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप सो गाइज आप यहां से अपने मोबाइल नंबर को डालना है, उसके बाद अपनी ईमेल को डालना है। ईमेल को डालने के बाद गाइज आपको अपने यहां से पासवर्ड को क्रिएट करना है। सो गाइज आप यहां से ये मत करिए, आपको नीचे लेफ्ट साइड में आपको हैव अ रेफरल कोड देखने को मिल जा रहा है। मीन्स अगर से आप यहां से हैव अ रेफरल कोड पर क्लिक करोगे तो गाइज आपको 100 रुपीज़ मिलेगी। गाइज आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ गिर जाएगी। सो बहुत बेनिफिट है ना गाइज, आपको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं। सो आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको साइड में रेफरल कोड शो हो रहा होगा, सो उसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो राइट साइड, उसे क्लिक कर दीजिए एंड अपना मोबाइल नंबर ईमेल डाल दीजिए एंड पासवर्ड को क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर कर दीजिए। सो ये होने के बाद आप रजिस्टर कर दीजिए, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। सो मैं इसे तब तक के लिए स्किप कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं मीन्स स्किप कर देता हूँ जब तक मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन भर ना दूँ। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने अपने सारा इन्फॉर्मेशन भर दिया एंड मैंने अपना रेफरल कोड भी डाल दे चुका हूँ। सो आपको साइड में रेफरल कोड दिख रहा होगा, सो आप यही रेफरल कोड को डाल दीजिए एंड आपको 100 रुपीज़ जो है वो आपके बैलेंस में गिर जाएंगे। सो बहुत अच्छा बेनिफिट है, आप इस रेफरल कोड को ज़रूर डालना। सो होने के बाद आप नीचे रहे रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। सो इसके बाद आप सारे के सारे ऑप्शंस को अलो कर दीजिए, सो जिस वजह से कि आपका मीन्स आपको ऐप चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये लोडिंग हो रहा है, सो वेट करते हैं, नेट स्लो है। सो गाइज, ये लोडिंग होने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपके नंबर पर जो भी आपने नंबर डालकर लॉग इन मीन्स रजिस्टर किया है उस नंबर पर एक OTP आएगा, तो सिंपली से वो OTP जो है आपको फिल करना पड़ेगा या फिर वो ऑटो फिल भी हो जा सकता है। मीन्स आपके
अंदर फ़ोन के अंदर जो भी ऑप्शन है उससे वो ऑटोफिल भी हो सकता है या फिर आपको फिल करना पड़ेगा। वो ओटीपी को फिल करने के बाद आपको बताता हूँ कि कैसा इंटरफेस होगा, कैसे गेम को क्रिएट कर सकते हो, कैसे पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो एंड मनी को भी। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर आफ्टर मैंने जब यहाँ पर रजिस्टर करा तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला। सो आपको भी बिल्कुल इस तरह का देखने को मिलेगा एंड आपको मेरे ख्याल से नीचे का ये बार देखने को नहीं मिलेगा जब आप किसी भी एक मीन्स टीम बनाकर रखते हो, मीन्स टीम क्रिएट कर ज्वाइन करते हो, तो आपको ये नीचे ये देखने को मिल जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में ये नीचे का देखने को नहीं मिला था। सिर्फ यही ऐसा इंटरफेस था जब मैंने यहाँ पर टीम को क्रिएट किया एंड मैंने मीन्स ज्वाइन किया तो जब मुझे ये आया। तो चलिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम पैसे मीन्स मनी को ऐड कर सकते हैं इसमें। तो पहले अगर से हम इसके बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ से आप ऐड कैश पर क्लिक कर आप अमाउंट को यहाँ से ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल बैलेंस 100। तो मैंने आपको बताया जैसा कि मेरे अगर से रेफरल कोड से आप यहाँ पर रजिस्टर करते हो तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे जैसे मुझे मिले। सो आप यहाँ से ऐड कैश पर क्लिक कर यहाँ से आप मनी को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कैश पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपके मीन्स डेट ऑफ बर्थ को पूछेगा, आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिए, उसके बाद सेलेक्ट स्टेट एंड उसके बाद गाइस गो अहेड पर क्लिक कर आप UPI से या फिर नेट बैंकिंग से कैसे भी आप ऐड कर सकते हो। सो अगर से हम दूसरे मीन्स इस साइड के बारे में बात किया जाए तो आपको यहाँ पर आपका प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। मीन्स अगर से आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल मीन्स आपको तो पहले ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर से आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर व्यूरीफाई देखने को मिलेगा यहाँ पर, मीन्स तो आपको तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको व्यूरीफाई बोलकर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको अपना मेल डालना पड़ेगा तो मेल डालने के बाद आपका जो अकाउंट है वो व्यूरीफाई हो जाएगा एंड बिल्कुल आपका जो माई प्रोफाइल मीन्स आपका जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल इस तरह से दिखने लगेगा। सो ये आपका प्रोफाइल है, सो इसे बैक कर देते हैं एंड अगर से हम दूसरे की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अन 100 मीन्स अगर से आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो। सो अगर से मैंने आपको जैसे रेफरल कोड दिया तो आप वहाँ से 100 रुपीज़ अर्न करे हो। सो अगर से आप मेरे ही रेफरल कोड से रजिस्टर करते हो तो आपको भी 100 रुपीज़ मिलेगा और मुझे भी। तो बिल्कुल आप यहाँ से इनवाइट पर क्लिक कर आप यहाँ से अपना रेफरल कोड बना सकते हो। सो यहाँ से आप अपने रेफरल कोड को बना सकते हो माई कॉन्टैक्ट से, यानी आप यहां से किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो मैं नहीं करूंगा एंड फाइंड पीपल माई कूपन से हाउ टू प्ले मीन्स अगर से आप यहां से भी आप देख सकते हो मीन्स पढ़ सकते हो कि कैसे आप इसे खेल सकते हो। तो पूरे सेटिंग्स से सो यहां पर इसे बैक कर देते एंड अगर से हम नीचे के बार के बारे में बात किया जाए तो पहले तो आपको होम देखने को मिल जाएगी जिसमें कि पूरे के पूरे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर पूरे के पूरे मैचेस है जैसे कि क्रिकेट के मैचेस, इसे डिनी कर देते हैं। सो आपको क्रिकेट के मैचेस देखने को मिल जा रहे हैं एंड जो कि 13 मिनट्स में शुरू होने जा रहा है, इंडिया वर्सेज श्रीलंका एंड दूसरा इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका वुमेन मीन्स ये गर्ल्स का है वुमेन्स का है एंड दूसरे बहुत सारे मैचेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। एंड आप सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, आप यहाँ से फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल यानी जो जापान चाइना में होता है वो एंड हैंडबॉल, सो बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे स्पोर्ट्स। सो गाइज अगर से हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लिए जाए तो आपको माई मैचेस देखने को मिल जा रहा है। सो अगर से आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो सब में पहले तो आपको इसमें लाइव देखने को मिल जाएगा, सो लाइव मैचेस यहाँ पर दिखाए जाएंगे एंड आपको साइड में अपकमिंग देखने को मिल जा रहा है, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे हो अपकमिंग। सो गाइज आप अपकमिंग में आप मीन्स आपने जो भी अभी तक मैचेस लगाए मीन्स टीम्स बनाए वो आपको अपकमिंग में शो होंगे जो कि शुरू होने वाले हैं एंड लाइव में लाइव मैचेस एंड कंप्लीटेड में मीन्स जो भी मैचेस कंप्लीटेड हो चुके हैं वो यहां पर आ जाएंगे। सो गाइज अगर से हम ये छोड़कर दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लीजिए तो आपको विनर्स देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज यहां पर आपको बहुत सारे विनर्स यानी जो मीन्स जितने भी लोग अभी तक टीम्स में पार्टिसिपेट किया है मीन्स मैचेस में पार्टिसिपेट किया है एंड अपनी अपनी टीम बनाए एंड जो भी लोग जीते फर्स्ट एंड सेकंड प्राइजेस, सो वो लोगों के पिक्चर्स आपके यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, उन लोगों के प्रोफाइल्स। सो यहाँ से आप विनर्स को चेकआउट कर सकते हो या फिर आप सोच रहे होगे कि क्यों स्क्रॉल डाउन करें, टाइम वेस्ट क्यों करें, डायरेक्ट जो भी विनर देखना है तो साइड में आपको सॉर्ट बाय फिल्टर्स देखने को मिल जा रहा है। आपको यहाँ पर ऊपर
थ्री डॉट्स देखने को मिल जा रहा है। सो गाइस सिंपली आप थ्री डॉट्स पर क्लिक कर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, उस पर क्लिक कर आप यहाँ से डायरेक्ट मैचेस को सेलेक्ट कर सकते हो। आप सोच रहे होगे कि सपोज मुझे ये मैच को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर से इसका विनर सेलेक्ट करना है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर इसके विनर को देख सकते हो। तो चलिए अब दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपको ग्रुप देखने को मिल जा रहा है, जिसमें से आप अपने फ्रेंड्स के साथ टीम्स को क्रिएट कर आपके फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो बड़े आराम से। तो दूसरा ऑप्शन आपको फीडबैक देखने को मिल जा रहा है, मीन्स आप ड्रीम इलेवन IPL के ऐप वालों को फीडबैक भेज सकते हो कि ये कैसा ऐप है। तो चलिए नीचे का बार तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम होम बटन पर चले जाते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको मींस कैसे टीम को क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शंस को बता दिया कि कैसे आप प्रोफाइल में जा सकते हो नीचे के बार के बारे में, एंड ऐड कैश मींस कैसे आप कैश को ऐड कर सकते हो। सारे के सारे ऑप्शंस हो चुके हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप टीम को बना सकते हो। मींस आप कंफ्यूजन में पड़ चुके होगे कि ऑलरेडी जो दो टीम्स बने हुए तो उसमें हम क्या टीम को क्रिएट करेंगे, आप एक कंफ्यूजन में होगे मुझे पता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप टीम को मींस बना सकते हो। तो पहले तो अगर से हम ऊपर एक मैच को देखेंगे तो आपको यहां पर देख पा रहे हो वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप ऑलरेडी इन दोनों जो टीमों हैं इन दोनों में बने हुए टीम्स में से आप कैसे आप अपनी टीम को बना सकते हो। तो चलिए अब यहां से मींस एक टीम को ओपन कर लेते हैं। आप यहां पर नीचे देख पा रहे हो वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका। तो चलिए ये 24 मिनट्स में स्टार्ट होने वाला है, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूं और बताता हूं कि कैसे आप एक टीम को बना सकते हो। तो यहां से अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। सो गाइस मैंने यहां पर क्लिक कर दिया एंड तो आप यहां पर देख पा रहे हो मेगा कंटेस्ट बोलकर आ चुका है। तो पहले तो आपको 30 लाख का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां पर देख पा रहे हो, जिसका 39 फी है, मीन्स एंट्री फी 30 लाख की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है। एंड ये जो फर्स्ट आप यहां पर देख पा रहे हो फर्स्ट प्राइस जो है वो 2 लाख का है, मीन्स 2 लाख मिलने वाले फर्स्ट प्राइस वाले को। सो गाइस अगर से आप फर्स्ट हो गए तो मीन्स आप तो लखपति बन जाओगे, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो सिर्फ 39 रुपीस आपको रखना है ना, आपको दिमाग से खेलना, आप इतना 2 लाख जीत सकते हो गाइस, बहुत बड़ी रकम है। एंड 30 लाख की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होने वाली है, सो मीन्स 30 लाख अमंग ऑल दी प्लेयर्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। एंड यहां पर आप देख पा रहे हो 3000 स्पॉट्स लेफ्ट है। सो अगर से आप दूसरे नीचे मींस 96,000 स्पॉट्स थे एंड दूसरे आप कंटेस्ट के बारे में बात कर लीजिए, तो यहाँ पर 50 एंट्री एंड 8 स्पॉट्स है, फर्स्ट प्राइस सिर्फ 100 है। तो सोच रहे होगे कि क्यों डिफरेंस है, वो सिर्फ कम प्राइस पर इतना सारा अमाउंट रख रहा है 2 लाख का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 96 स्पॉट्स है एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीचे सिर्फ 12 स्पॉट्स है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो 96,000 स्पॉट्स है एंड सिर्फ यहाँ पर 12 स्पॉट्स है, तो कितना डिफरेंस है, मीन्स उसमें आपके जीतने के चांसेस कम है एंड इसमें ज़्यादा है। तो इसीलिए इसमें इसका एंट्री फी कम है एंड प्राइस भी जो फर्स्ट प्राइस है वो भी कम है। सो अगर से हम दूसरा भी ऑप्शन देख ले तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो सिर्फ 3 स्पॉट्स है, यहाँ पर कोई भी अभी तक एंट्री नहीं की है। अगर से आपने किया है तो उसके बाद कोई भी आपके मीन्स इस मैच में कोई भी एंट्री नहीं की है तो आपके पैसे आपको रिटर्न हो जाएंगे, अगर से किसी ने भी एंट्री नहीं की है तो। सो अगर से आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत बड़ा मीन्स 2 लाख तक मिल रहे हैं। तो अगर से आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मीन्स यहाँ पर डिटेल से बताएंगे कि किसको कितनी अमाउंट मिलने वाली है। मीन्स यहाँ पर देख पा रहे हो फर्स्ट प्राइस 2 लाख का है, सेकेंड प्राइस 50,000 का है, थर्ड प्राइस 10,000 का, मीन्स सेकेंड तो 50,000, 2 लाख मीन्स एकदम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एकदम सा गिर चुका है। तो मीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो मीन्स यहाँ पर पहले अगर से आप देखोगे तो मीन्स डायरेक्ट 1.5 लाख कम हो चुका है, दूसरे उसमें 40,000 कम हो चुका है एंड दूसरे उसमें 6,000 एंड नीचे आपको सिर्फ 100-200 कम होते हुए नज़र आएंगे, बट फर्स्ट एंड जो सेकेंड है वो बिल्कुल हाई पर है। सो आप यहाँ से विनिंग्स के अमाउंट्स देख सकते हो एंड आप दूसरे ऑप्शन लीडर बोर्ड आप ऊपर देख पा रहे हो। सो लीडर बोर्ड में से आप देख सकते हो कि कौन लीडिंग पर है। सो गाइस जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने लीडर बोर्ड पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी प्लेयर्स लीडिंग में फिलहाल जिन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए एंड जो भी लीडिंग में वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। सो उन लोगों के आईडी के साथ यहाँ पर मैंशनड है। तो चलिए मैं बैक कर एक मीन्स टीम को क्रिएट कर बताता हूँ, तो आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देता हूँ एंड जो मेन गेम प्ले है उसको मैं बताता हूँ। तो चलिए यहाँ से अब हम बैक पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो एंट्री फी 29, तो 29 पर क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। सो यहाँ पर आपको पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड उसके बाद आपके स्टेट को सेलेक्ट करना है।
सो आपको पता ही है मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ। सो आपको पता ही है कि तेलंगाना में जो ये ड्रीम इलेवन आईपीएल है वो बैंड है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकता। पर गाइज मैं आपको मीन्स एक पार्टिसिपेट मीन प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट होता है, सो उसमें पैसे नहीं लगा जाते एंड उसमें डेट ऑफ बर्थ एंड स्टेट को नहीं पूछता। सो सिंपली से मैं क्या करूँगा उससे ज्वाइन कर आपको बताता हूँ कि कैसे टीम को क्रिएट करते हैं। सो अगर से आप मीन्स मैंने आपको जितने भी स्टेट्स पहले बताए अगर से आप उसमें से नहीं हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए अपने स्टेट को। तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ एंड चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको लास्ट में 3 कंटेस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि प्रैक्टिस कंटेस्ट है। सो यहाँ से मैं ज्वाइन पर क्लिक कर देता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक टीम को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 है, सो बहुत सारे लेफ्ट है, तो यहाँ से मैं एक कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर देता हूँ। सो यहाँ से ज्वाइन पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइज मैंने ज्वाइन पर क्लिक कर दिया, तो चलिए अब यहाँ पर आ चुके हमारी टीम मीन्स टीम को कैसे बनाए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो मीन्स 2 टीम्स हैं ऑलरेडी बने हुए। तो गाइज आपको क्या करना है, 2 टीम में कितने हुए 11 22 प्लेयर्स। सो गाइज आपको 22 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, मीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 टीम्स हैं, तो 2 टीम्स में से आपको 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है जो कि आपकी टीम बनेगी। सो उसमें से जितने भी वो लोग रन्स निकालेंगे जितने भी वो पॉइंट्स कमाएंगे उस पॉइंट से आपकी जो लीडरशिप मीन्स आपका जो लीडर बोर्ड है वो ऊपर बढ़ते ही जाएगा आपका रैंक। तो आप इन दोनों टीम्स में से आपको 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है जो कि पहले तो आपको विकेट आउट एंड बैट्समैन एंड ऑलराउंडर बॉलर देखने को मिल जाएंगे। तो पहले मीन्स विकेट कीपर जो है, सो विकेट कीपर्स में से आपको यहाँ पर 3 देखने को मिल जा रहे हैं जो कि 2 के 2 टीम्स में से, एंड बैट्समैन में से अभी आपको बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिल जा रहे हैं एंड ऑलराउंडर्स में से भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जा रहे हैं एंड बॉलर्स में से अभी आपको मीन्स दो भी जो टीम्स में उसमें से आप लेवल प्लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए पहले तो अब यहाँ पर से हम 3 में से एक को सेलेक्ट कर देते हैं। तो गाइज आपको मीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्रेडिट्स बोलकर है 9 पॉइंट्स, तो आप यहाँ पर ऊपर भी क्रेडिट्स देख पा रहे हो, तो आपको क्रेडिट्स देख समझकर इस्तेमाल करना होगा क्योंकि गाइज आपको सिर्फ यहाँ पर 100 क्रेडिट्स देखने को मिल जा रहे हैं। सो आप मीन्स देख समझकर इस्तेमाल करना होगा, मीन्स आप अगर से इस डी चैडिमल को क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर देख पा रहे हो 9 पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं। तो पहला तो हम एक को सेलेक्ट कर चुके हैं विकेट कीपर को, तो आप यहाँ से 1 से लेकर 4 तक विकेट कीपर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से नीचे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ एंड पहले से निकाल देते हैं। पहले तो हम 9 पॉइंट्स का जो क्रेडिट्स है उसको सेलेक्ट कर देते हैं एंड एक ही काफ़ी है, 1 से लेकर 4 तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक को तो मैंने सेलेक्ट कर दिया जो कि है डी चैंडिमल। सो बैट्समैन को अब सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ से। सो किसको भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ रैंडमली क्योंकि मुझे ये कौन है मुझे कोई भी पता नहीं है, तो मैं किसी को भी रैंडमली सेलेक्ट कर देता हूँ एंड क्रेडिट्स को देखकर इस्तेमाल करूँगा क्योंकि आप देख पा रहे हो सिर्फ 54 बचे हैं। सो मुझे देख समझकर इस्तेमाल करना है एंड लिस्ट वाले को भी कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैंने लिस्ट वालों को भी सेलेक्ट कर दिया। तो चलिए अब ऑलराउंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5 प्लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड मुझे मोर 6 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। सो यहाँ से मैं देख लेता हूँ अपने क्रेडिट्स के इस्तेमाल से, मीन्स क्रेडिट्स को देखकर यहाँ पर मैं कुछ को सेलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मुझे जो क्रेडिट्स है वो कम होते ही जा रहे हैं। तो चलिए बॉलर्स को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर 9 क्रेडिट्स वाले को करते हैं, 8.5 वाले को करते हैं। सो यहाँ पर एस रक्षमल जो भी है वो लोगों को सेलेक्ट कर देते हैं एंड बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ, लेवल आउट ऑफ लेवल हो चुके हैं। सो एंड मेरे 2 क्रेडिट्स और बचे हुए। तो टीम प्रीव्यू पर अगर से आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी टीम मीन्स पूरी की पूरी टीम देख सकते हो। यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हो विकेट कीपर है एंड वो बैट्समैन है एंड नीचे ऑलराउंडर है एंड नीचे ऑलराउंडर और सब में नीचे आपको बॉलर्स देखने को मिल जाएंगे बॉटम प्लेस पे। सो यहाँ से आप अपने टीम को पूरा चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए अब यहाँ से हम रॉन्ग पर क्लिक कर देते हैं एंड नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। सो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मीन्स ये मेन है गाइस, यहाँ से आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं क्योंकि गाइस ये मेन है। तो गाइस अगर से आप एक पर्सन को कैप्टन पर चूज करोगे, सो गाइस इसमें 1 रन निकालेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। सो गाइस अगर से आपने इस बंदे को सेलेक्ट कर लिया कैप्टन के मींस कैप्टन के जैसा, सो अगर से ये बंदा 1 रन निकालेगा तो 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट्स मिलेंगे, मींस आपको 2x मिल जाएगा। सो वो 1 पॉइंट निकालेगा तो 2x1 हो जाएगा = 2। अगर से वो 2 निकालेगा तो 2x4 = कितना हो गया 8। सो आपके जो मींस जितने भी पॉइंट्स वो
उसका इनटू हो जाएगा 2। सो गाइस इससे बहुत मींस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है गाइस। अगर से हम वाइस कैप्टन के बारे में बात किया जाए तो वो इनटू 2 नहीं है, सिर्फ इनटू 1.5 है। सो गाइस वाइस कैप्टन बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर डी चैंडिमल को सेलेक्ट कर रहा हूँ कैप्टन के जैसा। एंड नीचे हम किसी को भी वाइस कैप्टन के जैसा सेलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब एक प्लेयर को यहाँ से मैं वाइस कैप्टन के जैसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2 इनटू आ चुका है ऊपर यहाँ पर इसके प्लेस पे। सो आप अगर से हम वाइस कैप्टन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 1.5 इनटू आएगा। सो वो 2 है एंड ये 1.5 है, तो वाइस कैप्टन का तो स्लाइटली डाउनग्रेड होगा, तो आपको पता ही है। तो चलिए एक को यहाँ से अब मैं वाइस कैप्टन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइज ये आपको ज़रूर करना है क्योंकि इससे आपके बहुत सारे चांसेस है जीतने के। सो यहाँ पर मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से मैं सेव टीम पर क्लिक कर देता हूँ। सो चलिए गाइज यहाँ से हम सेव टीम पर क्लिक कर देते हैं। सो गाइज हमारी जो टीम है वो सेव हो चुकी है एंड यहाँ पर द कॉन्टेस्ट इज ऑलरेडी फुल जॉइन अनदर। सो गाइज ये तो मीन्स फुल तो नहीं था, क्यों यहाँ पर ऐसा बता रहा है। सो हम माय टीम में जाकर देखता हूँ। सो यहाँ पर हमारी जो टीम है वो सेव हो चुकी है गाइज। सो ऐसा क्यों आ रहा था मुझे तो नहीं पता। तो हमारी टीम तो सेव हो चुकी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कैप्टन डी चैंडिमल एंड यहाँ पर आप वाइस कैप्टन को भी देख पा रहे हो। तो चलिए अब इसको ओपन करता हूँ। सो यहाँ से आप देख पा रहे हो मेरी जो पूरी की पूरी टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है, मीन्स कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समैन बॉलर्स एंड पूरे के पूरे आ चुके हैं। सो आप ऊपर के एडिट के बटन पर से क्लिक कर आपकी टीम को एडिट कर सकते हो, बट बिफोर द मैच, मैच स्टार्ट होने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। सो चलिए गाइज मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में बता दिया, पर गाइज आपके दिमाग में एक तो चल रहा होगा कि कैसे हम पॉइंट्स को कमा सकते हैं, मींस कैसे आपको पॉइंट्स आएंगे कैसे नहीं आएंगे, क्या माइनस है क्या प्लस है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट्स की, मींस क्या पॉइंट्स में चक्कर चलता है। तो यहाँ से मैं माई मैचेस में चले जाता हूँ एंड यहाँ से अपने मैच को ओपन कर लेते हैं जो कि अपकमिंग में आने वाला है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज़। सो मेरा तो इसमें एक टीम बना हुआ है माई टीम्स में। सो माई टीम पर क्लिक कर देता हूँ एंड बैक हो चुका है, तो फिर से ओपन करते हैं। सो माई टीम्स में जाता हूँ एंड माई टीम में जाकर इसे ओपन कर देते हैं यहाँ से। एंड ऊपर आप PTS दिख पा रहे हो जो कि पॉइंट्स है। सो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ से एंड दूसरे ऑप्शन से भी आप ऊपर रहे माई प्रोफाइल पर क्लिक कर पॉइंट्स पर से जा सकते हो, बट मैंने यहाँ से आया। सो यहाँ से आपके मीन्स पॉइंट्स का जो वेरिएंट मींस पॉइंट्स का जो चक्कर है आप यहां से उसे समझ सकते हो। तो गाइस अगर से आप एक रन निकालोगे तो आपको एक मींस आपका जो बंदा आपने सेलेक्ट कराया तो वो एक रन निकालेगा तो एक पॉइंट मिलेगा एंड बाउंड्री मींस 4 मारेगा तो 4 मींस 4 पॉइंट्स मिलेंगे प्लस 1 मिलेगा एंड 6 मारेगा तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 6 पॉइंट्स के साथ 2 पॉइंट्स प्लस एंड 30 रन्स मारेगा तो 30 पॉइंट्स मिलेंगे प्लस और एक्स्ट्रा 4 पॉइंट्स यानी 34 पॉइंट्स हो गए। हाफ सेंचुरी मारेगा यानी 50 रन्स निकालेगा तो 50 पॉइंट्स प्लस 8 पॉइंट्स यानी 58 पॉइंट्स मिलेंगे, सेंचुरी यानी 100 पॉइंट्स मिलेंगे साथ ही साथ और प्लस 16 बोनस पॉइंट्स है। सो अगर से हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस भी देखने को मिल जा रहा है, मीन्स अगर से एक प्लेयर डकआउट हो जाता है तो आपके -2 हो जाएंगे। सो ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि बहुत सारे बंदे बहुत सारे पॉइंट्स कमाएंगे तो उसमें से -2 पॉइंट्स तो छोटी सी बात है, बट एक पॉइंट भी मीन्स लीडरशिप को मीन्स लीडर बोर्ड को ऊपर से नीचे कर देती है, फर्स्ट से सेकंड पर आ जा सकते हैं। सो ध्यान रखना। एंड आपको बॉलिंग में देखा गया तो मीन्स एक विकेट के 25 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे एंड बोनस जो है वो LBW 8 पॉइंट्स देखने को मिल जा रहे हैं प्लस 8 पॉइंट्स। तो पहला तो एक विकेट के 25 पॉइंट्स अगर से वो LBW के साथ निकालेगा तो यहाँ पर आपको बोनस देखने को मिल जा रही है 8 पॉइंट्स, तो 25 प्लस 8 देखने को मिल जाएगा एंड 3 विकेट्स के आपको प्लस 4 देखने को मिल जाएंगे, मीन्स यहाँ पर 25 75 प्लस 4 एंड दूसरा आपको 8 पॉइंट्स प्लस देखने को मिल जा रहे हैं एंड विकेट हॉल का 16 एंड मिड ओवर के 12। सो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे बोनस देखने को मिल जा रहे हैं एंड अगर से ऑलराउंडर जो भी है मीन्स कीपिंग जो करेंगे सो कैच के 8 पॉइंट्स है एंड 3 कैचेस के 4 मीन्स एक्स्ट्रा बोनस 4 मिलेंगे। सो अगर से हम दूसरा देखेंगे तो स्टंपिंग के 12 पॉइंट्स है स्टंप्स को मारेंगे तो रन आउट के 12 पॉइंट्स है रन आउट के 16 है। सो 3 कैचेस यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लस 4 यानी अगर से वो बंदा 8 मीन्स 3 कैचेस पकड़ लेता है तो 8 इंटू 3 प्लस 4 मिलेंगे। सो बहुत अच्छे खासे आपको बोनस पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। सो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो एंड अदर पॉइंट्स भी है जैसे कि कैप्टन के 2 इंटू जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में। इन अनाउंसमेंट लाइन 4 देखने को मिल जा रहा है एंड दूसरा आपको बॉल 5 रन
पर ओवर 6 देखने को मिल जा रहे, बहुत सारे आपको यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिल जा रहे हैं। एंड अगर से आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से आकर बहुत देरी मीन्स बहुत टाइम इसको देकर आप यहाँ से इसे पढ़कर देख सकते हो। एंड यहाँ पर कैटेगरी वाइज है मीन्स T20 में अलग पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, टेस्ट मैचेस में अलग पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड अलग अलग मीन्स कैटेगरी वाइज बेस देगा इस, आप यहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस पूरे के पूरे ऑप्शंस हो चुके हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने मनी को विड्रॉ कर सकते हो। तो आप ऊपर प्रोफाइल है बटन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर माय बैलेंस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको व्यूरीफाई नाउ पर क्लिक करना है गाइस। सो आपको पहले व्यूरीफाई करना है, उसके बाद आप अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हो मीन्स आपके पेटीएम के द्वारा, फ़ोनपे, जो भी डिजिटल ऐप्स है उसके द्वारा, या फिर आप डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भी। सो यहाँ पर व्यूरीफाई पर अगर से आप क्लिक करोगे तो पहले आपको मोबाइल एंड ईमेल करना होगा। सो यहाँ से मैंने ऑलरेडी करने की कोशिश की है पर एरर आया, सो फिर से मैं आपको कर बताता हूँ। सो यहाँ पर मुझे पहले तो मैंने अपने नंबर को तो मैंने यहाँ पर से व्यूरीफाई कर चुका हूँ, सो मैंने यहाँ पर उसे ब्लर कर रखा है। सो अगर से हम पान के बारे में बात किया जाए तो आपको यहाँ पर नेम डालना होगा, उसके बाद आपको अपना पान नंबर डालना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट डालना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक को ऐड करना है मीन्स आप यहाँ से अपने बैंक को व्यूरीफाई करना है। जब आप पान को एंड मोबाइल एंड ईमेल को व्यूरीफाई करने के बाद आपको बैंक को व्यूरीफाई करना है। तो चलिए यहाँ से मैं अपने मीन्स अपने मेल को व्यूरीफाई करता हूँ। सो यहाँ से मैं क्लिक कर फिर से व्यूरीफाई पर क्लिक करता हूँ। सो अब आपको यहाँ पर से आपके नंबर को मेल आए मीन्स आपके मेल को मेल आएगा। सो यहाँ पर मुझे मेल आ चुका है, सो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ ड्रीम अलेवन की तरफ से। सो यहाँ पर जो मीन्स मेल है वो लोड हो रहा है। सो यहाँ पर जो मेरा मेल है पहले आ चुका, तो सो पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सो क्लिक हियर टू व्यूरीफाई नाउ। सो यहाँ से मैं क्रोम को सेलेक्ट कर देता हूँ, अब भी क्रोम से करना। पहले मैंने ड्रीम अलेवन को सेलेक्ट किया बट उससे नहीं हुआ, सो आप क्रोम पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो व्यूरीफाई जो है वो हो चुका है। सो यहाँ से मैं रिसेंट ऐप्स में से चले जाए तो अपने ड्रीम अलेवन पर। सो रिफ्रेश करते हैं, सो बैक कर फिर से मैं यहाँ पर व्यूरीफाई पर क्लिक करता हूँ। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो मेरा नंबर एंड ईमेल है वो व्यूरीफाई हो चुका है। सो ये होने के बाद गाइस आप अपने पान को व्यूरीफाई कर दीजिए। सो पान को व्यूरीफाई यहाँ पर तो मेरा नहीं है, सो आप यहाँ से कर दीजिए। पान को व्यूरीफाई करने के बाद आप बैंक को व्यूरीफाई कर दीजिए। तो मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता ही है मैं हैदराबाद यानी तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ। सो आपको पता ही है जो भी बंदे तेलंगाना एंड ओडिशा जो भी मैंने आपको स्टेट्स के नाम्स बताया उससे वो बिलोंग करते हैं, तो वो लोगों को मीन्स मनी जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते एंड ऐड नहीं कर सकते। सो बैंक को वेरीफाई कर दूंगा तो वो बैन कर देंगे। सो गाइज आपको मैंने जैसे बताया आप वैसे ही कर दीजिए, एंड ऐड कैसे आप ऐड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। सो मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में बता दिया। सो आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है एंड आप यहाँ से बहुत अच्छी खासी मनी को अर्न कर सकते हो। तो गाइज अगर से आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में से बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए। तो आज के वाला वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड।